ऐसे लोग बनते हैं सुल्तान, निकम्मे शहजादे की तरह नहीं, सिर्फ खाना और सुस्ताना आता है। लेकिन वो गया कहाँ? उसका जिन भी गायब है। मुख्तार बेगम नजर नहीं आ रही है, ये हमारी तोहीन हो गई ना। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, अब वो नहीं तो तुम पर उतार दे। सहम हुजूर, वो क्या है ना, बड़ी उस्ताद जी आप ही के आने की तैयारियों में लगी थी, बस आती ही होंगी। लीजिए सुल्तान जी, बड़ी उस्ताद जी आ गई। बेगम तैयारी पुख्ता है ना, क्योंकि अगर हमें शिकायत का मौका दिया तो इस्माइल सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। यार सुल्तान देखने में बहुत ही खतरनाक लगता है। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। हम पैदा ही होशियार हुए थे, डर मत, हमने बहुत अच्छी तरकीब सोच ली। क्या? आओ बताते। ये मैं हूँ, ये जिनू है, और समझ लो कि ये ताज। जिनू सुनो, हम आगे से आते रहेंगे, तुम पीछे से आते रहना। हम आगे रहेंगे, तुम पीछे रहना। हम आगे रहेंगे, तुम पीछे रहना। और लड़की ये तुम हो, तुम दूर रहना, दूर, तुम्हारा कोई काम नहीं है। जिनू हम यहाँ, तुम यहाँ, तुम्हें यहाँ, तुम यहाँ, मैं यहाँ, तुम वहाँ, मैं यहाँ, वहाँ, यहाँ, वहाँ, यहाँ, वहाँ, यहाँ, वहाँ, और हम ताज ले लेंगे और हम जीत जाएंगे। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और मान लो कि ये सुल्तान के सिपाही हैं, ये तुम्हें पास से आके मार देंगे और मुझे दूर खड़े होकर देखने में बड़ा मजा आएगा। एकदम वाहियात तरकीब सोची है तुमने। कोई नरेयाल का से इस तरह से बात नहीं कर सकता। मैं अपने जादू से ताज को छेनूंगा और छेनूंगा। तो मैंने बताया आका को दे दूंगा। जिनू तुम भूल रहे हो, अय्यार पर तुम्हारे जादू काम नहीं करता, तुमने तो बताया था। वैसे हम तुम्हारे जादू का इस्तेमाल ताज चुराने के बाद यहाँ से निकलने के लिए करेंगे। उससे पहले अगर किसी को शक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सुल्तान। बेहतरीन, जश्न शागिर्द को शुरू किया जाए। अगर तुम अपने आप को इतना होशियार समझती हो तो तरकीब भी खुद से सोच लो। सोच ली। क्या सोची? मेरी तरकीब में तुम लड़कों का कोई काम नहीं है, तुम दोनों दूर रहना, बाकी सब मैं खुद कर लूंगी। क्यों, क्या बात हुई, कैसी हो तुम? काली चोरनी ऐसी है, चलती है हमसे, ये चलती है। जिनू अगर ऐसे कोई गड़बड़ की ना तो हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। उस्ताद कुलपदर,
मुकाबले की शुरुआत का ऐलान कीजिए। तो आप सब तैयार हैं? हाँ हम तैयार हैं, हाँ हम तैयार हैं, हाँ हम तैयार हैं, हाँ हम तैयार हैं। अब हम शुरू करते हैं चश्मे शागिर्द के मुकाबले का पहला दौर और वो है में रक्स तो नहीं होने वाला था, तो ये कौन है? सोने का दिल भी खरा नहीं है, शोलों में जब तक वो तपा नहीं है। तालीम घर में जासूस आ गए हैं। तुम सब पर नजर रखो और किसी पर भी शक हो तो मुझे बताना। मैं आज पता चला कि चोरनी काली नजर है। नहीं 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 नहीं, आज लग रहा है कि काली चोरनी की नजर है। अरे मैं आज पता चला कि काली चोरनी इतनी खूबसूरत है। हाँ का वाकई में बहुत खूबसूरत है। बड़ी स्टाफ कॉम पर शक हो गया है, शक इसलिए इस भीड़ में हमें ढूंढ रही है। ये जरूर तुम दोनों की ही हरकत है। हमारे तालीम घर के जश्न में ये रक्स, बेशरम, बेहया, बदतमीज। तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। मैं तुम दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। बड़ी उस्ताद जी, दरअसल हमें लगा कि रक्स से सबका दिल बहल जाएगा। और देखिए, इस रक्तासा को तो रक्त करना भी नहीं आता, मुझे आता है। अगर आप कहें तो करके दिखाओ। Yeah.
सुल्तान, इस बेअदबी के लिए हम माफी मांगते हैं आपसे सुल्तान। अब बिना किसी देर के मुकाबला शुरू करते हैं। अब उस मुकाबले की शुरुआत की जाएगी जिसका सब दिल थाम कर इंतजार कर रहे। मालूम करो वो लड़की कौन थी। मेरा दिल कहता है जोश में आओ है लड़की, होश में आओ। अब घबराने की बात नहीं है, अब ये लड़की खतरे से बाहर है। मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, ये आप इन्हें दे दें। ये तुम नकली हकीम बनकर बात करना बंद करो। ताज, ताज कहाँ है? वही जहाँ था उसके सर पर। अरे अरे ये तो फिर से बेहोश हो गए, अब क्या करें? अच्छा इसका जवाब दो, जब शेरुख की मुर्गी सलमान के बाग में अंडा देगी तो बताओ अंडा किसका होगा? शेरुख का। सलमान का? शेरुख का, सलमान का। ना शेरुख का ना सलमान का, अंडा होगा मुर्गी का। ये सब बेतुकी बातें सुनने के लिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया? लगता है आपको बेचारे इस्माइल को बिल्कुल फिक्र नहीं। ठीक, नाकामयाब आप होंगी, सही मत बेचारा वो बच्चा चुकाएगा। या अल्लाह। सुल्तान, जश्न अभी शुरू ही हुआ, थोड़ा सब्र कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं आज आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आका, चोट तो बहुत मामूली है लेकिन लगता है इन्हें बहुत जोर की लगती। हो सकता है। तभी तो बार बार होश में आ रही हैं, लेकिन फिर भी आलू की बोरी की तरह इधर इधर उधर गिर रही। तुम और तुम्हारे आका आलू की बोरी। आका, आलू की बोरी में दमन। लेकिन अभी थोड़ी कमजोर है। लेकिन सही है, अच्छा कमजोर है। ये तो अब तक पूरी पूरी तहरी दे चुकी थी कि लड़कियां लड़कों से बेहतर है। और फिर गुस्से में आंखों में आंखें डाल के आपसे लड़ती झगड़ती बिगड़ती। कितना अच्छा लगता है ना? ये आपको अच्छा लगता है? नहीं नहीं, मतलब कोई बात नहीं, अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो मैं भी कहता हूँ। निकम्मे शहजादे। खामोशी। माँ कहा तुम गुलाम, दोस्त बनने की कोशिश मत करो। मुझे कौन से दोस्त बनने का शौक है? नहीं। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा। जिनू, ठीक है, हम काली चुनी के साथ यहाँ रुकते हैं, तुम जाओ जाकर ताज लेकर आओ। ठीक है। अकेले? तो क्या पूरी बारात लेकर जाओगे? बारात तक नहीं था, लेकिन अकेले भी नहीं जाऊंगा। तुम जिन हो और हम आके हम जो कह रहे वो करो, 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 जाओ, जाओ, जाओ। जीनू, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अरे नहीं, तुम बैठो, हम जाएंगे, तुम आ जाओ, तुम आराम करो, मैं तभी ठीक नहीं है। चुप करने आए हो, उस पे गौर करो। उसी पे गौर कर रहा हूँ। अब वो लम्हा आ गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अब मुकाबले में हिस्सा लेने आ रहे इस तालीम घर के सबसे होनहार शागिर्द शिफान। शिफान,
और कोयल 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 बेहतरीन इस मुकाबले का दूसरा पड़ाव है शिफान और कोयल के बीच लठबाजी का मुकाबला। और इस मुकाबले को जीतने वाला तीसरे और आखिरी पड़ाव तक पहुंचेगा। चलो शुरू करिए। चाल का पहला कदम तो सही पड़ा है, शिफान और कोयल यहां आ गए हैं। बड़ी उस्ताद के कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। जब तक सब जश्न में मशरूफ है मैं उनके कमरे की तलाशी लेकर आता हूं। जफर ने जश्न शागिर्द का बहुत इंतजार किया है। शिफान और कोयल में से कोई एक तो उसे पसंद आना ही है, जिसकी वजह से हमें कुछ और दिन का समय मिल जाएगा। और बस उतने ही दिन में मैं सब बच्चों को सुरंग से निकाल के ले जाऊंगी। लेकिन चोपुल का अब तक कुछ पता क्यों नहीं? मुझे इस जासूस का पता लगाना ही पड़ेगा। तो तालिम करके सभी दरवाजे को बंद करने को कहा था, तो ये दरवाजा? अब आका, मेरे पास एक और नायाब तरकीब है, सुनिए तो सही। इसका क्या करें, बाहर बहुत लोग हैं और इसे मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। आका, अगर कुछ छोड़ने का दिल होना तो इंसान छोड़ देता है, लेकिन क्या यहाँ तो आपकी नियत ही नहीं है। बिल्कुल यहाँ कहाँ जा रहे हो? जाओ। बड़ी उस्ताद के कमरे में ये सब करने जाओगे? देखो बेटा, हर काम उसकी सही जगह पर किया जाता है, ठीक है? गौर करके आओ। खली बली कहां रह गया? नाच मोहतरमा, अंदर हो क्या? इस पहाड़ ने पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी।
वो दरअसल क्या है ना कि वो कोई बात नहीं, आप जब कमरे से बाहर जाएंगे तो इन्हें अपने साथ लेके जाएंगे। वो कैसे? मेरा जादू देखिए। प्यार इश्क मोहब्बत है बड़ी प्यारी चीज, ये लड़की नहीं है ताबीज। जिन 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 जिनों जी For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.